अच्छा, ठीक है भैया ही को बुलवाओ। नहीं नहीं, अब खत्म, बात खत्म हो गई यार। तुमने भैया बोला, हमें क्या पता। एक बार फिर से हम आपके बीच में आ गए हैं और अभी इस समय हम आए हुए हैं झांसी श्राइन जो चर्च है। तो फीस्ट का सप्ताह था, आखिरी दिन चल रहा है और हम यहाँ आ चुके हैं और आखिरी समय है फीस्ट का। और अब हम आपको बताएं, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर बाइबल रखी हुई है और यहाँ पर भाई लोग जो बैठे हुए हैं उनसे अभी हम पूछेंगे, बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि ये बाइबल को जो बांट रहे हैं ये इनका उद्देश्य क्या है और साथ ही ये किस संस्था के थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं, साथ ही ये संस्था जो है वो कितने सालों से फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रही है, मतलब लोगों को बांट रहे हैं, तो वो कितने सालों से ये बांट रहे हैं, बता दीजिए। मेरा नाम विवियन पॉल है। जी जी। और मैं गिडियंस संस्था से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और इस टाइम मैं गिडियंस की जो मिनिस्ट्री है जी, हमारा जो रीजन SA9 है उसमें मैं रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। जी जी। और ये हमारा झांसी कैंप है जी, जिसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ये फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन करते जी। हैं। और ये जो गिडियंस जो मिनिस्ट्री है ये एक इंटरनेशनल संस्था है जी, द गिडियन इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है, जो लगभग पूरे विश्व के अंदर काम कर रही है जी। और विश्व के अंदर लगभग 200 देश ऐसे हैं जिसके अंदर ये कार्य चल रहा है और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बाइबल हो रहा है जी। और इसकी स्थापना जो है 3 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी और उनका उद्देश्य ये था, वो बिजनेसमैन थे जी। और उन्होंने ये एक साथ एक होटल में बैठकर उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने ये महसूस किया कि भाई हम लोग तो बिजनेसमैन है, हमारे पास समय नहीं हैगा और हम परमेश्वर का कार्य करना चाहते जी हाँ। तो उन्होंने बैठ के प्रार्थना करी आपस में, लोगों से, दोनों विभिन्न जगहों से थे, और उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो है अपने पैसे के द्वारा इन बाइबल्स को छपवाएंगे और लोगों तक इसको फ्री बांटेंगे, फ्री बांटेंगे। तो उस उद्देश्य को उन्होंने 1890 में ये जो है पहली बाइबल जो है छप के हमारी गिडियंस की डिस्ट्रीब्यूट जी। और इंडिया के अंदर 1960 के अंदर इसका कार्य शुरू हुआ है जी। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है और हम लोग उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कई भाषाओं में मुझे ये बाइबल दिख रही है, न्यू टेस्टामेंट है, नए नियम की शास्त्र है। हाँ। तो ये कई भाषाओं में, मतलब हर एक भाषा में। हाँ, हर एक भाषा में लगभग 22 लैंग्वेजेस के अंदर जी हमारे पास ये उपलब्ध है जी। जी, अलग अलग भाषाओं में लोग आते हैंगे जी, वो जो भाषा में पढ़ना मांगते हैं उस बाइबल को तो मतलब केवल नया नियम ही बांटते कि ओल्ड बाइबल जो मतलब पूरी जो हम लोग जो है केवल न्यू टेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग का इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जो न्यू टेस्टमेंट होती है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग जो है होटल्स में इसको प्लेसमेंट करते, होटल्स मोटल्स है और अलग अलग ऑफिस के अंदर जो बड़ी हमारी फुल बाइबल होती है, फुल बाइबल है उसको हम लोग वहाँ पे प्लेस करते हैं होटल्स के अंदर जाके, उसको कमरों के अंदर रखते हैं। आदमी जो वहाँ पे आता है वो फ्री रहता है, तब वो बाइबल को पढ़ता है जी। लेकिन ये छोटी बाइबल है, ये न्यू टेस्टमेंट है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, हम लोग की जेल मिनिस्ट्री, हम लोग जेल में भी जाके बांट जाएंगे और ऑफिशियल जो है पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ जाके हम लोग ये पूरी बाइबल है, ये फुल बाइबल है, इसको हम लोग होटल्स में प्लेसमेंट करते हैं ताकि जो यात्री आते हैं वो अपने कमरे के अंदर इसको देख के पढ़ सकते हैं, अपना टाइम फ्री रहेगा तो उसको प्लेसमेंट करते हैं जी। जी। और ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए चलिए। और जो है कि नीली बाइबल जो लोगों तक पहुंचने के लिए, और ये जो व्हाइट बाइबल है ये हमारी जो है ये हॉस्पिटल्स के लिए है, नर्स स्टाफ के लिए, व्हाइट जी। और एक बाइबल और है हमारे पास, ये इस तरह की बाइबल है, ये हमारी डिफेंस के लिए, मिलिट्री वालों के लिए, तभी वो कलर जो है आपने कवर जो है उसके हिसाब से है जी। जी जी हाँ, ठीक है, हम लोग काम करते हैं। एक मिनट सर। हाँ, VIP है, नेता लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इस प्रकार के लोगों को ये फुल बाइबल का प्लेसमेंट करते हैं जी। जी अच्छा जी। इसका कोई कॉस्ट नहीं, दिस इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट जी। जी, इट इज अ वेरी गुड, मतलब अगर देखा जाए इसके पेपर और प्रिंटिंग इज सो नाइस, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। सर आप अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मून नॉक्स है, अब मैं 2008 से अच्छा ज्वाइन किया है गिडियंस। हाँ। और मैंने महसूस किया संस्थाएं तो तमाम है, अच्छी है, सब अच्छी है, लेकिन इसमें मेरे को ये अच्छा लगा कि फ्री सेवा है,
और कोई किसी किस तरह का कोई पैसे वाला कोई काम नहीं है। हाँ जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं हम लोग, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जी। इसका हम लोग डोनेशन हम लोग अपने तरफ से देते हैं। अच्छा। ताकि इसकी प्रिंटिंग हो सके, लोगों तक पहुंच सके। मतलब संस्था को आप डोनेशन करते हैं, अपना जो भी कुछ बचा के, मतलब जी हाँ जी हाँ, चंदा मतलब वो इकट्ठा करके, किसी से मांगते नहीं। जी जी। और इसके अतिरिक्त हम जो देख रहे हैं वो है कि गिडियन कार्ड की भी मिनिस्ट्री है। जी। कार्ड जैसे कि क्रिसमस के टाइम पे, न्यूयर के टाइम पे, बर्थडे, एनिवर्सरी, उसके कार्ड अलग वो भी हम लोग देते हैं। उसका लोग जो डोनेशन देना मांगे फ्रीली तो मतलब, ताकि गिडियन कार्ड की प्रिंटिंग, उसमें तमाम मैसेजेस पीछे दिए। अच्छा अच्छा। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मिनिस्ट्री इन गिडियन। जी, बहुत अच्छा मतलब वो कार्य है। और जी, सुनकर अच्छा लगा कि और देखकर कि वाकई में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग का भी अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग ने इतना मौका दिया कि हम लोग गिडियन मिनिस्ट्री के बारे में। नहीं, चलिए, हमारा सौभाग्य कि मतलब आप लोगों से मिल सके। और जी, सीनियर गिडियन में हम भी बहुत पुराने हैं। जी 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 जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जी।